हर तरह के मटेरियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 20 क्लास में। बिल्डिंग मटेरियल फर्स्ट टॉपिक था। बिल्डिंग मटेरियल इसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स पढ़े थे, कितने टाइप्स का बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग में क्या क्या पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे हम लोग, ठीक है। फिर बिल्डिंग का बारे में दो चीज जाने थे, क्या जाने थे, पहला कि हम लोग जो बनाते हैं उसको क्या लोड बेयरिंग बनाएंगे या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस टाइप का। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है। सिलेबस भी मैं दिखाता चलूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर तरह के टाइप के ब्रिक क्या होता है, स्टोन क्या होता है, उसके बारे में कौन सा स्टोन कैसे बनता है, ठीक है, ये सब के बारे में जाने। फिर उसके बाद का हमारा टॉपिक क्या था, ब्रिक था, स्टोन था, ठीक है, सीमेंट था, ठीक है, ठीक है, फिर सैंड वगैरह के बारे में टॉपिक था, मोर्टार था, ठीक है। ये सब टॉपिक कंक्रीट में हो चुका था इसलिए दोबारा रिपीट नहीं किया गया, लेकिन मोर्टार बताया गया, कितने टाइप्स के मोर्टार होते हैं, क्या होते हैं, कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा बताया गया, ठीक है, आरसीसी कंक्रीट ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया, ज्यादा डिटेल क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोग डिटेल देख चुके थे इसलिए हल्का हल्का डिटेल दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारा टॉपिक था छोटा छोटा, ठीक है ना। इसके अलावा वुड था और क्या था, मिसलेनियस मटेरियल था, ठीक है, और बताओ, मिसलेनियस मटेरियल था जिसमें क्या था, बहुत सारा मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, जो भी छूट गया सब मटेरियल इसमें था, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज था, ठीक है ना, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया। अब हम लोग इधर क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड टॉपिक में फाउंडेशन, फाउंडेशन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या फाउंडेशन होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सब भी हम कराएंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन में क्या क्या होता है फाउंडेशन के लिए, ठीक है ना, डीप फाउंडेशन, शॉलो फाउंडेशन, ठीक है, तो में टोटल 7 तरह के होते हैं, 7ों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। सबसे ज्यादा राफ्ट, ग्रिलेज, ये सब एग्जाम में आएगा, राफ्ट फाउंडेशन के बारे में पूछेगा, ग्रिलेज के बारे में पूछेगा, सबका यूज पूछेगा, ठीक है ना। तो राफ्ट है, डीप में टोटल जो है 6 तरह का होता था, एक 7वां जो होता था पाइल होता था, पाइल जो होता अकेला ये 6-7 प्रकार का होता था पाइल, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या क्या आ गया, तीसरा टॉपिक मासोनरी, मशीनरी मतलब चिनाई, मशीनरी का मतलब क्या होता है, चिनाई, मशीनरी में क्या होता है, सुनाई दे रहा ना, आवाज क्लियर है ना सभी को, तो मशीनरी में हम लोग को पढ़ना है क्या होता है मशीनरी पहले, फिर स्टोन मशीनरी के बारे में पढ़ना है। स्टोन का 2 पार्ट होता है, रबल और अल्सर, ठीक है, अल्सर मशीनरी। फिर उसके बाद ब्रिक मशीनरी के बारे में पढ़ना है, दोनों में क्या अंतर है, स्टोन मशीनरी ब्रिक मशीनरी दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ब्रिक मशीनरी ये कितने टाइप का होता है, ये बहुत टाइप का होता है लेकिन 4 प्रकार का पढ़ना है, हेडर, हेडर स्ट्रेचर, ठीक है, इंग्लिश, फ्लेमिश, यही 4 प्रकार का पढ़ना है। फ्लेमिश में भी 2 प्रकार का होता है, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, ये सब मैं ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ आपके दिमाग में नक्शा बन जाए, कंफ्यूज मत हो कि क्या पढ़ लिए क्या नहीं पढ़ लिए, ठीक है, पता चला कि सर्वेइंग वाला इसमें घुसा दो, उसका वाला सर्वेइंग में घुसा दो, लोग कंफ्यूजन ना हो। तो सारे लोग ये एकदम ध्यान रखो कि हम लोगों ने अभी तक यही चीज पढ़ा है, हमको इसके किस चीज टॉपिक के बारे में नहीं आता है, सेल्फ एनालिसिस करो, फिर मेरा नोट्स जाकर देखो, मेरा वीडियो देखो, ठीक है ना, फिर उस चीज को एक बार रिविजन कर लो, दिमाग में ये चीज रखो कि हम ब्रिक्स के बारे में सारा सारा टॉपिक क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान में रखो, ठीक है, स्टोन के बारे में सारा टॉपिक है कि नहीं, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, डी फाउंडेशन का सारा टॉपिक क्लियर है, राफ्ट है, जो भी शैलो फाउंडेशन वो क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है तो फिर से नोट्स देखना है। ये जो टॉपिक्स है ये हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए, जो इतना मैं पढ़ा चुका हूँ उतना तक, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा टॉपिक्स और ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना, ऐड ऑन होते जाएंगे, तो पिछला वाला का रिवीजन जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ सफल आप तभी होगा जब जितना ज्यादा आप रिवीजन रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं भर, ठीक है ना, आवाज आ रही है सभी को, यस एक बार सर, बोलिए, यस सर, ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये सारे टॉपिक जो हो चुके हैं वो सब क्या है रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक में पुराना निकाल के, नोट्स मिल चुका है आपको फाउंडेशन तक का, इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, तो जो जहां तक हो चुका है वहां तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शिकायत, ठीक है ना, तो एकदम पूछिए, बेहिचक पूछिए, ठीक है ना। डी फाउंडेशन और स्वालो फाउंडेशन में एक डिफरेंस बताइए आप लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। बताइए कोई एक डिफरेंस बताइए,
कोई भी। चलो फाउंडेशन हम लोग 5 मीटर तक देते हैं सर। और एक और, ये तो बहुत सिंपल वाला हो गया, और बताइए। क्या होता है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन? ठीक है, इसमें एक तरह का क्या होता है, चलो फुटिंग होता फाउंडेशन है, हम लोग शैलो 5 मीटर में फुटिंग तक होता है। देते हैं। हाँ, मैं क्या है, आप लोग का जो है सबसे ज्यादा सस्ता क्या होता है, शैलो फाउंडेशन होता है, लेकिन डीप फाउंडेशन कॉस्टली होगा। फिजिबिलिटी में क्या होगा, ये क्या ओपन टू एटमोस्फेयर हो जाता है, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में शैलो फाउंडेशन ओपन टू एटमोसफेयर होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में डीप फाउंडेशन सॉइल के अंदर डालते हैं, ठीक है। एडवांटेज में भी क्या है कि इसमें इसमें लेबर वगैरह चीपली अवेलेबल हो जाते हैं ये सब में, लेकिन ये सब के लिए क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा। मैं आपको इसका डिफरेंस जो है, ठीक है ना, भेज देता हूँ, टोटल 6-7 डिफरेंस है, अगर पूछता है एग्जाम में, क्योंकि ये पूछने वाला क्वेश्चन है, ये सब ऐसे नहीं मजाक में लेकर के मैं पूछ रहा हूँ, ये सब पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, ठीक है, तो पता होना चाहिए कम से कम 5। देखो, मेरा पढ़ाने का तभी सफल होगा जब आप लोग मन से पढ़िएगा, ठीक है ना, मन से पढ़िएगा, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन भी कीजिए कि सर डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस, देखो, डिफरेंस ऐसा चीज होता है ना जो सारे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप करता है। जैसे कोई दो चीज का डिफरेंस अगर करोगे ना, तो उसका सारा प्रॉपर्टी जो है तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो है ना, डिफरेंस एक ऐसा चीज होता है जो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए हर चीज का। अब जितना मैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ाया हूँ, अब डीप फाउंडेशन ओपन फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखना है हर चीज को, क्या है, याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी टाइप का डिफरेंसेस, खासकर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, हर चीज का, इसलिए डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है सारा ना। पढ़ाया हुआ का तो वीडियो सर आप डाल दिया ना ग्रुप में। नहीं, ग्रुप नहीं डाले बाबू, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ सभी को कि मैं जिसका जो छूटा हो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं ग्रुप पे हर वीडियो नहीं, पता अच्छा चलेगा ऐसे तो फिर तो सब लोग तो पता चलेगा, कोई क्लास करेगा नहीं, सब वीडियो देखेंगे। और जो आप लोग का पैसा, आप लोग भी तो पैसा भी पेड किया ना, और जो लोग पैसा नहीं भी पेड किया हो तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो जो मैं पर्सनली पैसा आपसे नहीं देख, भेजते हैं। नहीं, बाबू अभी देखो दिवाली चल रहा था ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। आज जो है सबका जितना भी मैसेज है मैं सबका देख ले रहा हूँ, आज लगभग वीडियो अपलोडेड है बहुत सारे का, लिंक मैं शेयर करता जाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए जिसका जिसका जो छूटा है वो डेट वाइज, मुझे इतना तारीख का सर मैं नहीं आया था, तो डेट वाइज मिलेगा आप लोग को, क्योंकि डेट वाइज ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना, उस दिन क्या पढ़ाई हुई थी वो ज्यादा आसान है, ठीक है। अभी आप लोग का सर क्लास रेगुलर है। हाँ बोलो, अगर एब्सेंट वाला का मांगेंगे तो मिल जाएगा पर्सन पे। अच्छा एकदम मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग डेली चल रही है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत अच्छा उससे नहीं है। तो मेरा 15-20 मिनट यहाँ देने का उद्देश्य यही था कि आप लोग जो है, थोड़ा दिवाली खत्म हो गई है, जिसके यहाँ छठ होता है, चलो ठीक है, छठ तक टेंशन होगा, लेकिन आप लोग जो है, ठीक है ना, लग जाओ आप तैयारी में, 15-20 दिन बचे हैं एग्जाम में, मतलब 15 दिन और बचे हैं ना दिसंबर आने में, दिसंबर आने में, तो मेरा टारगेट है 20 दिन में आप लोग को एकदम अच्छा खासा आप लोग को तैयार कर सर देना, ठीक है। मेरा नहीं तो नाम खराब करोगे तुम लोग, कि सर से पढ़े हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं है, डिफरेंस भी नहीं पता है, तो डिफरेंस एकदम हमेशा मुंह पे रखना है, किसी भी चीज का मैं पूछ सकता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये बताओ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अगर जो चीज नोट्स में नहीं मिलेगा तुरंत पूछोगे सर ये नोट्स में डाल दीजिए, ये चीज नोट्स में डाल दीजिए, जरूरी नहीं हर चीज नोट्स में मिले, ठीक है ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज कवर हो जाए नोट्स में, इसलिए थोड़ा सा नोट्स मेरा बड़ा भी हो जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना, मशीनरी पढ़ा रहे थे अभी, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से समझ में नहीं आया, ये नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक था, ठीक है ना, अभी मशीनरी, मशीनरी में क्या, स्टोन मशीनरी के बारे में बता रहे थे हम लोग, क्या बता रहे थे, स्टोन मशीनरी के बारे में, ठीक है ना, क्या क्या होता है मशीनरी में, ठीक है, तो चलते हैं उसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं तुम लोग का, ठीक है, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, ठीक है ना, होता क्या था मशीनरी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं सब, कहानी सब याद रखना, वुड में कौन कौन सा रोग होता है ये बहुत पूछता है, वेट रोट, ड्राई रोट, ठीक है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट रोट एंड ड्राई रोट, ठीक है ना।
तो ये सब एकदम क्लियर रखना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बीच बीच में टॉपिक भी डालता जाऊंगा ताकि आप लोग जो है जगे रहिए, सो मत जाइएगा, ठीक है ना। हर टॉपिक के बारे में जो एग्जाम टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं बीच बीच में ग्रुप में डालता रहूंगा, आप लोग से पूछता रहूंगा, ठीक है। अभी से शुरू कर दूंगा कल से, ठीक है ना, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। तुम लोग ऐसा है कि जवाब नहीं दे पा रहे हो बहुत सारा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो ठीक है, चलो। अभी हम लोग का क्या बात चल रहा था, स्टोन मशीनरी शुरू करने से पहले बहुत सारा का नाम बता रहे थे, क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर, क्यून क्लोजर, ठीक है, बेड पोस्ट क्या होता था, ठीक है, और क्या बताया था हम लोगों ने, हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक अगर मान लो, हाँ मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दिखाऊंगा एक्चुअली, ठीक है ना, बट थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है ना, ठीक है, ब्रिक तो होगा नहीं। एक मिनट होल्ड करना, ब्रिक में देख लेता हूँ, अगर ब्रिक वर्क तो अभी नहीं हो रहा है। मैं एक बॉक्स लेके तुम लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, एज्यूम करो क्या होता है, ठीक है। मैं एजम्पशन पे रहो, एजम्पशन पे दुनिया कायम है, ठीक है, ये इस पे एज्यूम करो कि एक ब्रिक है, ठीक है, एज्यूम करो एक ब्रिक है, फ्लिपकार्ट का ऐसे ही बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं एक ब्रिक मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं होता है क्या, ठीक है, ठीक है। ये ब्रिक में क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है, ये क्या है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई और इसके मोटाई, तो मैं क्या बोलता हूँ, 19 × 9 × 9, यही होता है 19, ये लंबाई 19, ये 9 और ये भी 9, ऊपर वाली भी 9, ठीक है। इस तरह से समझ रहे हो, देख के समझ में आ रहा है ना, इस वाले पोर्शन को हाँ क्या सर, बोलेंगे, यस सर, वेट, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, हेडर, इस वाले पोर्शन को क्या वेट, बोलेंगे, हेडर, ठीक है ना। इसलिए मैं समझा रहा था कि सर, तुम लोग का जो है, ठीक है, चलो स्पॉटलाइट नहीं हो रहा क्या, ठीक है, चलो स्पॉटलाइट नहीं हो रहा क्या, चलो स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं दे रहा इसमें, चलो ठीक है, हटाओ, बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, ये एक पोर्शन को क्या बोल दिया, हेडर, इस वाले पोर्शन को क्या कहें, ऐसे रखा हुआ, ऐसे स्ट्रेचर। नहीं, स्ट्रेचर बोलेंगे, ठीक है, और ये नीचे वाले पोर्शन के जिस पे रखाएगा उसको क्या कहेंगे, बेड, ठीक है, ये क्या हो गया, बेड, बेड पोर्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा फ्रॉग बना हुआ रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर फिर मोर्टार डालो, फिर एक ब्रिक इसके ऊपर डालो, तरह से करके एक लेयर बनेगा, ठीक है, इस तरह से करके क्या बनेगा तुम्हारा, यस सर, बाय। दिक्कत हो रहा है ऐसे बाबू, ठीक है, आपकी एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, हाँ स्पॉटलाइट, ठीक है, चलो अब हो गया, तो देखो स्पॉटलाइट तो हो गया, आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, साउंड आने से कोई दिक्कत, तो हमारे हमने क्या बताया, ब्रिक के बारे में, यस स्ट्रेचर और हेडर हो गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फोटो में भी, ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा नोट्स पे चलते हैं, ठीक है, नोट्स को भी इसलिए मैं दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि कौन सा चीज कहाँ है नोट्स में, ठीक है, नोट्स देखना बहुत जरूरी है, ठीक है,
अब देखिए, दो दो स्ट्रेचर को जोड़ेंगे तो उसको स्ट्रेचर जॉइंट बोलेंगे, दो हेडर को जोड़ेंगे तो हेडर जॉइंट बोलेंगे, ठीक है? ये चीज समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? देखो यहाँ पे फिर से, ये क्या है? स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर को दो स्ट्रेचर को भाई जोड़ेंगे तो बाकी स्ट्रेचर कीजिए जॉइंट ना। बोलेंगे, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब स्क्रीन वर्टिकल देखो, कर दीजिए। हाँ नहीं, ठीक है बाबू, ठीक है, अभी मैं टेबल पे रखा हूँ बाबू, लैपटॉप ले लो, ठीक ठीक है है? अब चलो, ये तो हाफ थ्री क्वार्टर ब्रिक हो गया, ये हाफ बैट हो गया, बैट मतलब टुकड़ा, कल भी बताया था मैंने, ये क्वीन क्लोजर हो गया, एकदम पूरा आधा कर देना, लेंथ का भी और विड्थ का, दोनों साइड विड्थ का हाफ कर देना, इधर लेंथ का हाफ, इधर विड्थ का हाफ, ये क्या हो गया? क्वीन क्लोजर, ये दोनों बहुत पूछता है, ठीक है? ये बेड हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, इस फोटो में वो चीज बताया हुआ। अब बात करते हैं स्टोन मशीनरी का, स्टोन मशीनरी होता क्या है? तो वैसा मशीनरी जिसमें पत्थरों का यूज हो, पत्थरों का यूज हो मतलब स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर ही होता है, वही चीज है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर, जो या तो दो चीज में, या तो तुम बढ़िया से काट करके ले आओ पत्थर को, या फिर जैसा पत्थर तुमको दिख रहा है वैसा ही यूज कर लो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है? तो ये सब पत्थर का यूज कहाँ करेंगे? फुटिंग वगैरह ये सब में करेंगे हम लोग यूज, ठीक है? तो देखो, दो दो मशीनरी में यूज कहाँ कहाँ होता है, बिल्डिंग ये सब बताए थे कल, ब्लास्ट बुलेट्स, ठीक है? ठीक है, ये सब जो है, ये तुम्हारा जो स्टोन मशीनरी कौन सा कहाँ यूज करेंगे, पेमेंट, रेलवे, ग्रेनाइट, कल मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा यूज होता है फायर के लिए, मार्बल वगैरह ये सब, ठीक है, ज्यादा यूज होता है। ये सब क्या है? टूल्स है। टूल्स क्या है? स्टोन मशीनरी या किसी भी तरह के मशीनरी में यूज होगा, सिर्फ स्टोन में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा तोड़ने वाला, छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी का यूज कहाँ पड़ेगा जी? पत्थर को तोड़ने में ही पड़ेगा, ईटा तोड़ने में तो नहीं पड़ेगा ना, छेनी हथौड़ी का काम, सिर्फ एक हथौड़ी से भी ब्रिक बैट बन जाता है, ठीक है? ठीक है, तो अब क्या होता है, सॉ या फिर सॉ का जरूरत पड़ता है, ट्रॉवेल, क्रोबार, ठीक है, ये सब जो है जरूरत पड़ता है, ठीक है? ये सब क्या है? स्टोन मशीनरी। ये एग्जाम में जनरली बहुत कम पूछता है, ऐसे पांच छह का नाम जानोगे ना, जैसे ये सब नाम लिखा हुआ, ट्रॉवेल क्या है, किस यूज के लिए होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इसके, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, वो साथ साथ आप लोग को बताता चलता हूँ, ठीक है? प्लम्बॉब जो है हर जगह यूज पड़ेगा, क्योंकि दीवार सीधी बन रही है कि टेढ़ी मेढ़ी बन रही है उससे पता चलेगा, स्प्रिट लेवल भी हॉरिजॉन्टल वाल को पता चलता है, ये दो चीज हर जगह यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, ये सब काटने वाला। क्रोबार क्या है? स्टोन का क्वेरी करते हैं, क्वेरी बताए थे ना जब स्टोन पढ़ा रहे थे, क्वेरी क्या होता है? ब्लास्ट से या फिर किससे करेंगे? एक क्वेरिंग होता है, एक ड्रेसिंग होता है। अच्छा ड्रेसिंग में क्या, क्वेरी में क्या होता है, पत्थरों को तोड़ते हैं क्या, बड़े बड़े चट्टानों से तोड़ के छोटा छोटा पत्थर बनाते हैं, तो उसमें क्वेरिंग, हाथ से मशीन से भी जैसे तोड़ते हैं, चीजल से क्या होता है, ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसको एकदम साइज और शेप में लेके आते हैं, ठीक है? और एक होता है स्पॉल हैमर, स्पॉल हैमर क्या होता है, बहुत भारी भारी हैमर होता है, उसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं? देखो, ड्रेसिंग मतलब, ड्रेसिंग बोलेंगे और क्वेरिंग बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, हर, देखो दो तरह का स्टोन मशीनरी में यूज होते हैं हथियार, क्या क्या होता है, ठीक है? पहला होता है तुम्हारा क्या, ड्रेसिंग के लिए, और दूसरा क्या होता है, क्वेरिंग के लिए, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे उस दिन मैंने बताया था, अभी यहाँ मैं रिविजन करा दे रहा हूँ। क्वेरिंग में क्या करेंगे, बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा पत्थर है, बड़ा बड़ा चट्टान है, उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करेंगे, उससे क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्वेरिंग, ब्लास्ट वगैरह करके या जैसे करके, ठीक है ना, हथौड़ा वैसे तोड़ो, जैसे तोड़ो, लेकिन हमको तोड़ करके छोटा छोटा करना है। ड्रेसिंग में क्या करेंगे, जो हमारे पास टुकड़ा आया है ना, उसको एकदम एकदम स्लाइस शेप में, बेढंग का आया, उसको काट करके, निखार करके हमको एकदम यूज करना है मशीनरी में, तो उसको ड्रेसिंग करेंगे। ये दो टाइप का हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ठीक है, ड्रेसिंग के लिए और क्वेरिंग के लिए। ध्यान देना, ये स्पॉल हैमर किसके लिए यूज होगा, रफ ड्रेसिंग के लिए, ये ड्रेसिंग के लिए स्पॉल हैमर होगा, ठीक है? जो जो फोटो सब डाला हुआ है यहाँ पे देखते चलो, ठीक है ना, स्पॉल हैमर, ठीक है सर, ना? स्पेल हैमर का यूज कैसे करते अब कैसे करते हैं बाबू, ये नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है ना? ये है स्पॉल हैमर, ठीक है ना, इसको पीट पीट के करेंगे, हाथ से मारेंगे, ठीक है ना, यही यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये तो बाबू, जो डिजाइनर होता है, स्ट्रक्चर होता है, कि कहाँ से कितना तोड़ना है वो होता है ना, ठीक है? लेकिन हाथ से ऐसे मार मार के करते हैं, जितना भी तरह का हैमर होता है, ठीक है ना, आयरन हैमर, मैलेट हैमर हैमर, दिखा ये क्या होता दीजिए, है, स्पेल हैमर दिखाइए ना। अभी दिखाए थे बाबू तुम लोग को, ठीक है, अभी जस्ट दिखाए थे, कहाँ ध्यान रखते हो, ठीक है? ये क्या है, स्पॉलिंग हैमर, ये क्या है, स्पॉलिंग हैमर, वुडन हैमर भी होता है, ठीक थोड़ा है, आयरन हैमर भी होता है, ठीक है ना, इस तरह का सब टाइप का हथौड़ा होता है, ठीक है? इससे क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं। गेज हो गया, ये सबसे, जम्पर क्या है,
ये गड्ढा बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, बोरिंग होल्स बनाने के लिए। निकेल क्या है, ये चीजल, ठीक है, ये सब छोटे छोटे हथियार है, क्लॉट टूल, गेज, पिचिंग टूल, ठीक है, ये सब मैंने सारे डाल दिए। ऐसा नहीं कि कुछ नाम जो है सुना हुआ नहीं है नोट्स में, भले एग्जाम में ना पूछे ये सब के बारे में, लेकिन नोट्स में डाल दिया मैंने, ठीक है। ड्रैग क्या है ये, ठीक है, ये स्टोन का सरफेस को, लेकिन हर चीज को दो पार्ट में बांट सकते हो, या तो एक तो या तो ड्रेसिंग के लिए यूज होगा, और दूसरा क्या होगा, क्वेरिंग के लिए यूज होगा, दो काम में से कोई एक काम में यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है दो पार्ट में बांट दो, ठीक है। जैसे क्रॉस कट सॉ, फ्रेम कट सॉ, इससे क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को एकदम बीच से काटने में यूज होता है। क्या करने में यूज होता है, बड़े बड़े पत्थरों को बीच से काटने में यूज होता है, ठीक है, कट सॉ का, ठीक है, जिसको कहते हैं पत्थर काटने वाला मशीन, देखे हो ना? वो दिखेगा कट सॉ, हसुआ की तरह होता है, ठीक है ना, ये सब काटने वाला। पंच जो क्या होता है, छेद करने में होता है, ड्रेसिंग करने में यूज होता है, ड्रैग का क्या होता है, लेवल करने में। तो यही सब जो है छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, अभी याद भी करा दूंगा तो याद नहीं रह पाएगा आप लोग का 1 से 2 दिन में, ठीक है, भूल जाओगे। चलो अब आ जाते हैं स्टोन मशीनरी कितने टाइप का, पत्थर तो बता दिया मैंने, दो टाइप का होता है इसमें, एक होता है रबल, एक होता है अल्सर। ये सामने दिख रहा है, ये किस तरह का हो सकता है बताओ, ये क्या दिख रहा है, सब टेढ़ा मेढ़ा साइज का दिख रहा है तुम लोग को, कोई इस साइज का है, अल्सर कोई इस साइज का। हाँ, ये अल्सर नहीं बोलेंगे बाबू, जो टेढ़ा मेढ़ा साइज का उसको क्या नाम देते हैं, रबल, रबल इसको क्या बोलेंगे, रबल मशीनरी। रबल मशीनरी मतलब समझ गए, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है ना, ये क्या होगा, रबल मशीनरी होगा, ठीक है। अब देखो दो टाइप का मशीनरी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखो रबल और प्रिंसिपल क्या होता है मशीनरी कंस्ट्रक्शन करने का, जो होना चाहिए वो हार्ड, टफ, ड्यूरेबल होना चाहिए, प्रेशर जो होना चाहिए लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ये प्रिंसिपल नहीं भी पूछेगा तो भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में तो प्रिंसिपल नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या आता है, स्टोन मशीनरी कितने टाइप का होता है, रेबल मशीनरी क्या होता है, अल्सर मशीनरी क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यही सब मतलब बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछता है, डीप में नहीं जाता एग्जाम में भी, ठीक है ना, ठीक है। स्टोन शुड भी क्या होना चाहिए, हमेशा ड्रेस होना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हेड और बॉन्ड जो होना चाहिए स्टोन का वो भी क्या होना चाहिए, अच्छे शेप में होना चाहिए। ये मतलब तुम अपने से भी बना बना के लिख सकते हो रिक्वायरमेंट, तुमको पता है ना कि शेप अच्छा होना चाहिए, टफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड का होना चाहिए, मतलब लोड ज्यादा नहीं कि इधर वाले पे ज्यादा पड़े, जो बेड होना चाहिए वो क्या होना, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, रिटेनिंग वाल का, वुड बॉक्सिंग होना चाहिए, ठीक है, ये सब क्या है, फाइन ड्रेस्ड स्टोन वर्क के लिए। मोर्टार जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, प्लम बॉब होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि वर्टिकली पूरा दीवार है कि नहीं है, ये मशीनरी में क्या चेक हम लोग कर सकते हैं। मशीनरी वर्क क्या होना चाहिए, जो भी है उसको पानी से पूरा 2-3 सप्ताह तक उसको पटा के रखना चाहिए, मतलब भिंगाना चाहिए। अब बोले सिर्फ पत्थर को पानी चाहिए, बोले नहीं भाई पत्थर में नहीं, लेकिन जो उसमें मोर्टार यूज करेंगे उसको चाहिए, ठीक है ना, जो जोड़ने के लिए, ठीक है। ब्रोकन स्टोन स्मॉल चिप्स होगा उसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, कम से कम यूज होना चाहिए, टूटा हुआ डबल उसके फोल्डिंग भाड़ा बनाना चाहिए, हाई ऊंचा जाने के लिए सिंगल नहीं बनाना चाहिए, ये सब टाइप का क्या है, प्रिकॉशंस भी कह सकते हो या फिर प्रिंसिपल जो भी कह सकते हो लेना चाहिए स्टोन मशीनरी बनाने के लिए। अब बात करते हैं पहले डबल मशीनरी। डबल मशीनरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, या तो अनड्रेस हो या फिर रफली ड्रेस हो, मतलब अनड्रेस हो मतलब फोड़े पहाड़ से पत्थर फोड़े, बम ब्लास्ट किए, बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा गया वैसे उसी पर डाल दिया बिल्डिंग में। ताजमहल वैसा बनाता तो तुम लोग जाते देखने जी, ताजमहल ताजमहल में वैसा ही बनाया गया, ऐसा सर। कैसा पत्थर से ताजमहल क्या बना, अल्सर से अच्छा बना हुआ, ठीक है, अल्सर से। तो रबल मशीनरी क्या होता है, देखने में अजीब टाइप का लगेगा, सही लगेगा वो भी, लेकिन उतना बढ़िया नहीं, जैसे इस तरह का देख रहे हो इस तरह का ये रबल मशीनरी है, ठीक है, इसमें मशीनरी का यूज नहीं हुआ, इसी तरह दिखा रहा है। एक होता है अनकोर्ड, इसमें क्या है, चीपेस्ट रफेस्ट पुअरेस्ट होता है, सबसे खराब स्थिति का अनकोर्ड होता है। इसमें क्या होता है भाई, बहुत जो साइड शेप क्या होता है, ये जैसे ब्लास्ट करके लाए, क्वेरी करके लेके आए, वैसे इसमें लगा दिए, या तो रैंडम लगा दिए, या तो फिर ये इस तरह से जा करके किस तरह से देखो इस तरह है ना, इस तरह से लगा दिए किसी तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से टूटा उस तरह से, खाली मोर्टार दिखेगा इसमें भर भर के, ठीक है, ये होता है कोर्स रबल मिस्त्री या अनकोर्स रबल मशीनरी, ठीक है ना। इसमें सब एक ही तरह का होगा, इसी तरह का सारा क्रॉस सेक्शन देखने में लगेगा, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं लगेगा तुम लोग को, ठीक है ना। इतना ज्यादा हम डाल दिए नोट्स में ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा इस सबको हटा ही देते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं।
ठीक है, एक प्लिंट रबल मशीनरी क्या होता है, इस तरह से जितना भी मशीनरी है ना सब में क्या होगा, डाल करके इस तरह से ठीक है क्या होगा, तुम लोग का मशीनरी किया जाएगा। ठीक है, हम कुछ ज्यादा ही नोट्स में डाल देते हैं, ये भी एक समस्या ही है क्या। अब ड्राई रबल मशीनरी क्या होता है, ठीक है, होता क्या है कि जितना भी तरह का मशीनरी है ना, देखो इस तरह से पत्थर लगा करके डाल दिए हम लोग, ठीक है ना, ये क्या हम लोग पत्थर लगा के डाल दिए, ये सब क्या है अनकोर्स स्क्वायर रबल मशीनरी हो गया। ठीक है, ये सब क्या होगा रबल मशीनरी प्लिंथ में। अब होता है ड्राई रबल मशीनरी या फिर जितना भी तरह का मशीनरी होता है, ठीक है ना, मशीनरी जितना भी तरह का होता है उसमें दो तरह से ध्यान रखना, पहला जो पत्थरों को क्या होगा, ठीक है, पत्थरों को क्या होगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके उसमें मोर्टार डाला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है दो तरह का, एक होता है कोर्स और एक होता है अनकोर्स। अब मैं तुम लोग को कुछ कुछ फोटो दिखा देता हूँ कोर्स और अनकोर्स का, थोड़ा सा जो नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। मोर्टार जो मटेरियल डालते हैं वो है ना सर? हाँ हाँ, जो हम लोग पढ़े सीमेंट मोर्टार। सर ड्राई रबर मशीन बता दीजिए तो रबल। हाँ हाँ सब बताएंगे बाबू, रुक जाओ अभी, ठीक है ना, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ कि जितने टाइप का भी मैंने मशीनरी का टाइप बताया ना, वो सब क्या थोड़ा थोड़ा सा के लिए डिफरेंस है, ठीक है ना, उसमें पत्थर का साइज बदलते जाओगे उस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे ये देखो कोर्स रबल मशीनरी और अनकोर्स, ये देखो ये वाला इसमें से कौन सा कोर्स है, ये वाला कोर्स है और ये अनकोर्स है, ठीक है ना, देखते चलो। रबल है सर, ठीक है, सारा रबल मशीनरी, सारा क्या है रबल मशीनरी, देख रहे हो ना, ये सभी क्या है रबल मशीनरी है, ठीक है, सारा क्या है रबल मशीनरी है, ठीक है, इसमें देख रहे हो ये भी क्या है रबल मशीनरी है, देख रहे हो इसमें भरा हुआ है इसमें सीमेंट वगैरह, दिख रहा है सभी को ना, ठीक है। अब देखो पॉलीगोन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब में देखो क्या होता है, सिर्फ साइज क्या होगा स्टोन का, देखो पॉलीगोन रबल मशीनरी पॉलीगोन, ठीक है ना, अनकोर्स हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया कोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसमें क्या हो गया कोर्स हो गया, ये क्या हो गया अनकोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ठीक है ना, ये सब देख रहे हो ये सब पत्थरों से बनाया हुआ है, इटली का जो रूम है ये सब क्या है बनाया गया, ठीक है, ये सब किसी एक कोर्स में नहीं होगा, कोर्स मतलब होता है गड्ढा, ठीक है ना, मतलब एक लेयर में नहीं होगा, ये क्या है मान लो एक लेयर में जा रहा एक लेयर में जा रहा, इसमें क्या होगा कहीं भी कोई लेयर शुरू हो जा रहा, कहीं भी कोई लेयर, इसमें कोई लेयर नहीं दिखेगा तुमको। अनकोर्स में क्या है कोई भी लेयर नहीं है, मैंने बताया था ना कि ब्रिक को क्या करेंगे कोर्स में लेयर में डालते, ये एक लेयर, ठीक है, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, इस तरह से करके, ठीक है, ये पांचवा लेयर, इस तरह से इसमें लेयर दिख रहा है, कोर्स में क्या है ये लेयर दिख रहा है, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से लेयर दिख रहा है, इसमें तो कोई लेयर ही नहीं पता चल रहा है, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ देखो दूसरा चीज आ जा रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा चीज आ रहा है, फिर यहाँ, इसमें कोई, इसको अनकोर्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे कोर्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। पॉलीगोन में क्या होगा कि इसमें जो है ये भी अनकोर्स होगा, लेकिन इसमें क्या होगा पॉलीगॉन टाइप का बनाया गया, इसमें क्या है पॉलीगॉन टाइप का बनाया गया, इसमें क्या है पॉलीगॉन टाइप का, ये क्या है, ठीक है ना, ये भी क्या है पॉलीगॉन टाइप का, ठीक है, ये सब क्या है पॉलीगॉन टाइप का, ठीक है, सेम यही है कि जिस तरह का पत्थर यूज करेंगे वही हमारा क्या है, ठीक है, पॉलीगॉन टाइप का, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है पॉलीगॉन टाइप का, इसमें क्या होगा रफली हम करेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन शेप का होगा, ठीक है ना, इरेगुलर जॉइंट का होगा, ये रबल कोर्स रबल मशीनरी की तरह होता है, ठीक है, कोर्स अनकोर्स समझ गए ना, ये होता है फ्लिंट वाला, ठीक है, देखो ये एक्चुअल फोटो जब तक नहीं देखोगे ना बाबू समझ में नहीं आएगा, ये फोटो में डाल देता हूँ फ्लिंट वाले में, ऐसा है ये क्वेश्चन आएगा नहीं ये सब एग्जाम में, फ्लिंट और ये क्या हो ये सब क्या है आएगा नहीं, ठीक है ना, फ्लिंट में क्या होता है बस वही है स्टोन का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाता है, मैं दे देता हूँ फोटोज डाल देता हूँ, टेंशन मत लो, कौन सा है सर, सर सर, हाँ रुक जाओ एक सेकंड सर, ये सब नहीं है फला, ठीक है, सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल नहीं, ये देखो फ्लिंट है, ठीक है, चलो अब आगे देखते, ठीक है, फ्लिंट सब कहाँ है बुक में,
नहीं है बाबू, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा चीज जो है सिलेबस में नहीं है लेकिन टाइप में आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बहुत सारा टाइप इसमें डाल दिया था, ठीक है ठीक है। चल, फ्लिंट है, पॉलीगॉन है, रबल मशीनरी, ठीक है, लेकिन तुमसे दो ही क्वेश्चन पूछेगा, एक कोर्स और एक अनकोर्स, ये दोनों के बारे में पूछेगा, ठीक है, कोर्स और अनकोर्स समझ गए ना, जिसमें हम लोग को, ठीक है ना, ये सब तो एक्स्ट्रा डाटा है, ये सब फालतू चीज है, ठीक है ना। ये फोटो डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है, कोर्स और अनकोर्स की ज्यादा ध्यान में रखना, ठीक है, अनकोर्स और कोर्स। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्सर मशीनरी की तरफ। अल्सर मशीनरी में क्या होता है, ये एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन होता है, इसमें क्या होगा, एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन होगा, इसमें कितना मोर्टार डालेंगे, 3 mm का ज्वाइंट डालेंगे, कितना, 3 mm थिकनेस का ज्वाइंट डालेंगे, ठीक है, ये भी एकदम देखने में क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, कर सक लगेगा, ठीक है, हर तरह का ये स्टोन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेनाइट यूज करेंगे, संगमरमर वगैरह में क्या आ जाएगा स्टोन में, ये सब दिख रहा है, ये क्या है अल्सर मशीनरी का, ये क्या है अल्सर मशीनरी, एकदम अच्छा से बढ़िया से काट के लगाया गया है, ये सब क्या है, बढ़िया से काट के लगाया, तुम लोग ताजमहल जाते हो देखने तो अच्छा लगता है ना, उसी तरह तुम्हारा अल्सर मशीनरी का ही वो एग्जाम्पल है, हाँ वो क्या है अल्सर मशीनरी का एग्जाम्पल। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ताजमहल को भी, अल्सर मशीनरी का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है, अल्सर में भी कोर्स रन कोर्स आता है, ठीक है ना, अल्सर मशीनरी, ठीक है, इस टाइप का आएगा पत्थर का, ठीक है ना, मशीनरी मटेरियल अल्सर मशीनरी, ठीक है ठीक है, ये क्या हो गया हाँ देखो बाबू, आप लोग मैसेज करो, मैं बार बार बताता हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, अभी मैसेज करो, जिसको जो कहना है वो मैसेज करके करो, ठीक है, चलो, आवाज क्लियर नहीं आता, क्लास डिस्टर्ब होता है। देखो क्या मैं बता रहा था, अल्सर मशीनरी, ठीक है, अल्सर मशीनरी में क्या होता है, इस तरह का ये क्या है फोटो, ये सब क्या है अल्सर मशीनरी का एग्जांपल है, ठीक है, ये रबल हो गया, ऊपर वाला देखने में क्या है, ये रबल बगल वाला, और ये बगल वाला क्या अल्सर, देख रहे हो, सब क्या है, जितने बड़े बड़े जो बना राजा महाराजाओं का किला बनता था पहले के जमाने में, वो सब अल्सर मशीनरी से बनता था, उसमें क्या देख रहे हो, ये किला है ना, ये क्या है किला का फोटो दिख रहा है यहाँ पे, जो जहाँ पे माउस निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या है अल्सर मशीनरी का एग्जाम्पल है, जितना भी देखोगे किला वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल, अल्सर कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये सब अल्सर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सर समझ में आ गया, पर अल्सर क्या होता है वो बता दीजिए बाबू, अभी समझ लो ना, तुम लोग एकदम हड़बड़ा जा रहे हो, पहले मैं दिखा रहा हूँ जो समझो, ठीक है ना, लाइन से चलो ना, ठीक है, अभी क्या है अल्सर मशीनरी का ये सब क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे किला में है, इसको मैं सेकंड फोटो में डाल देता हूँ, ठीक है, अब चलो इसके बात करते हैं होता क्या, ठीक है, देखो, ठीक है, ये क्या है अल्सर मशीनरी, इसमें क्या होता है, जो क्या होता है ड्रेस होता है यूनिफॉर्म फाइन ज्वाइंट्स के लिए, ठीक है, 3 mm इसमें क्या होता है थिकनेस तक लगाया जा सकता है, इसमें क्या होगा थिकनेस जो बाल का होगा बहुत ही क्या होगा जो ड्रेसिंग होगा वो सबसे बेस्ट होगा, इसमें क्या होगा ड्रेसिंग जो होगा फाइनली ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, फाइनली ड्रेसिंग बढ़िया से इसको ड्रेसिंग किया जाता है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ ऐसा नहीं कि कुछ भी करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे अल्सर मशीनरी, ठीक है, ड्रेसिंग इसको किया जाता है, ठीक है, बैकिंग और फ्रंट दोनों पे, ठीक है, फ्रंट और बैकिंग दोनों पे, ठीक है, दोनों पे क्या किया जाता है क्वेरिंग किया जाता है और ड्रेसिंग भी किया जाता है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेरिंग करके ले आए, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा दिस टाइप ऑफ मशीनरी बिल्ड फ्रॉम एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन विद यूनिफॉर्म फाइन ऑफ जॉइंटेड अबाउट 3 mm थिकनेस, ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है, चलो ये तो हो गया अल्सर मशीनरी के बारे में, ठीक है, और क्या है अल्सर में क्या है बहुत सारा तरह का कैटेगरी है, जैसे अल्सर फाइन, अल्सर रफ, अल्सर फेसिंग, अल्सर चैम्फर्ड, ये सब टाइप के हैं, लेकिन ये सब क्या है सिलेबस में नहीं है, डिफरेंस क्या रबल मशीनरी में और ये अल्सर मशीनरी में, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा डिफरेंस दे दिया, ये भाई बहुत रेगुलर शेप का होता है स्टोन यूज किया जाता है रेगुलर शेप का, दूसरा क्या है इसके ज्वाइंट्स जो है वो इरेगुलर साइज के होते हैं, स्टोन जो भी होगा वो भी क्या होगा इरेगुलर शेप के होंगे, ठीक है,
ऑलवेज बी इन रेगुलर शेप। अल्सर इसमें क्या होगा, ड्रेस्ड होते हैं बहुत अच्छे से रेगुलर शेप में,